नमस्कार, मैं रेनु मिश्रा, कुकिंग विद रेनु में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ सबका फेवरेट पनीर दो प्याजा। आज मैं इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। अगर आपको कभी कुछ जल्दी में बनाना हो और कुछ स्पेशल बनाना हो तो आप मेरी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। इस तरह से आप पनीर दो प्याजा बनाएंगे तो सभी को बहुत पसंद आएगा और आसानी से बन भी जाता है। तो आइए हम फटाफट शुरू करते हैं बनाना अपना ये पनीर दो प्याजा। लेकिन सबसे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई रेसिपी की वीडियो शेयर कर सकूं। पनीर दो प्याजा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है पनीर। ये 250 ग्राम पनीर है। एक कप से थोड़ा कम ये दही, और दही बिल्कुल खट्टी नहीं होनी चाहिए। 2 बड़ा चम्मच तेल, 4 प्याज, 2 टमाटर, हरी मिर्च स्वाद अनुसार, कुछ कलियां लहसुन की, अदरक। ये 2 प्याज में कद्दूकस करूंगी और 2 बड़े बड़े पीसेस में काटूंगी। थोड़ी सी काली मिर्च और लौंग, 2 तेज पत्ता, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, जीरा, हल्दी, धनिया पाउडर, ये 1 चम्मच गरम मसाला मेरे घर का बना हुआ है, और ये 1 चम्मच पैकेट वाला मार्केट वाला गरम मसाला है, नमक स्वाद अनुसार। अब सबसे पहले हम प्याज को कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करके प्याज डालने पर सब्जी का स्वाद ज्यादा बढ़िया लगता है। अब टमाटर को भी इस तरह से हम कद्दूकस कर लेंगे। ये प्याज और टमाटर को कद्दूकस कर लिए। अब हम लहसुन और अदरक को कूट लेंगे। ये लहसुन अदरक भी कूट लिया है। अब 2 हरी मिर्च को हम इस तरह से लंबाई में काट लेंगे, और बाकी जो हरी मिर्च है उसको हम ये छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे। मैंने हरी मिर्च थोड़े ज्यादा लिए क्योंकि मैं लाल मिर्च इसमें नहीं डाल रही हूँ। प्याज को मैं 4 टुकड़ों में काट के इस तरह से उसके ये छिलके को निकाल लूंगी इस तरह से। अब 1 बड़े से कटोरे में दही लेंगे और उसको हल्का सा फेंट लेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे गरम मसाला, कुटी हुई काली मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी। अब इन सबको डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें पनीर डालेंगे और अच्छे से सारे मसालों को इसमें मिला देंगे। इसमें अब हल्का सा नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। ये दही बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और इसमें डालेंगे 2 बड़े टुकड़ों में कटा हुआ प्याज। प्याज को हम बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा गुलाबी करना है हमें इसे। ये देखिए प्याज हमारा हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी तेल में मैरिनेट किया हुआ पनीर हम डालेंगे और इसे हम तेज आंच पर पकाएंगे, क्योंकि पनीर और दही दोनों ही पानी छोड़ता है, तो तेज आंच पे पकाएंगे तो पानी इसका हल्का सा जल जाएगा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे लगभग 5 मिनट में पकाऊंगी तेज आंच पर। अब इसको भी प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छे से सारा मसाला जितना तेल में है हम सबको निकाल लेंगे, क्योंकि इसे में हम बाकी की सब्जियों को भी तड़का देंगे। अब इसमें डालेंगे तेज पत्ता, लौंग और काली मिर्च। इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जीरा,
जीरा को भी हम फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का कुटा हुआ लहसुन और अदरक। अब इसमें डालेंगे हम कद्दूकस किया हुआ प्याज और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब तक ये तेल ना छोड़ दे तब तक हम इसे पकने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, गरम मसाला। ये गरम मसाला मेरे घर का बना हुआ है जिसमें लाल मिर्च भी है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे कद्दूकस किया हुआ टमाटर और इसे भी अच्छे से मिलाकर पकाएंगे हम। ये देखिए ये लगभग पक गया है, ये तेल देखिए छोड़ने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे पनीर मसाला, हमारा पक गया है। पकने के बाद हम इसमें पनीर डाल देंगे जिसको मैंने फ्राई किया हुआ है और फ्राई किया हुआ प्याज भी इसमें डाल देंगे और फिर से इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। अब ऊपर से हरी मिर्च डाल देंगे और नमक, नमक हम संभल कर डालेंगे क्योंकि हमने जब पनीर को दही में मैरिनेट कर रहे थे तो उसमें भी हमने नमक डाला था। अब इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसको मिक्स कर कर हम इसको 5 मिनट तक पकने देंगे, तेज आंच पर ही पकने देंगे। ये देखिए ये पक चुका है। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। ये तैयार हो गया हमारा पनीर दो प्याजा, है ना बहुत ही आसान। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपका कैसा बना ये पनीर दो प्याजा और आपको कैसा लगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।